हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कैला प्योर ए लोशन के बारे में। दोस्तों, जो कैला प्योर ए लोशन है वो आपके स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उन सबको दूर करने के लिए यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कैला प्योर ए लोशन के बारे में पूरे डिटेल में, किसके फायदे क्या है, लगाने के बाद क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, कितने रुपए का आएगा, कहाँ पर मिलेगा, क्या कंपोजिशन डाला गया है, सेफ है कि नहीं है, पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, अगर बात करें कैला प्योर ये लोशन के बारे में, तो इसको मैनकाइंड नामक कंपनी द्वारा बनाया जाता है। ये आपको 50ml और 100ml दो स्ट्रेंथ में मिलेगा। जो 50ml का है वो आपको 110 रुपए का आएगा और जो 100ml का है वो आपको 200-250 रुपए तक आएगा। ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, आपको आपके नजदीकी मेडिकल पे जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें कैला प्योर लोशन के कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट डाले गए हैं, इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे त्वचा के लिए, स्पेशली त्वचा स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारक होते हैं। इसमें कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी, जो सूजन कम करने के लिए किया जाता है, और एंटीसेप्टिक भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। इसमें डाला गया है कैलामाइन, एलोवेरा, उसके अलावा ग्लिसरीन डाला गया है, लिक्विड पैराफिन डाला गया है, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जो कि हमारे त्वचा के लिए लाभकारक होते हैं। अब जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में कि इसका यूज हम कौन कौन से प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, एज ए डेली मॉइस्चराइजर। अगर आपकी त्वचा ड्राई रहती है, सूखी रहती है, तो आप एज ए मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। उसके अलावा आपके त्वचा में स्पेशली फेस पे हल्का दाग धब्बा, एक्ने, पिंपल छोटे मोटे रहते हैं, या आपको यहाँ पे एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल या और कुछ इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको भी दूर करता है। उसके अलावा आपके त्वचा में इन्फ्लाम हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, सूजन हो गया है, इरिटेशन हो रहा है, खुजली हो रही है बार बार वहां पे, और खुजलाते खुजलाते कट जा रहा है, तो उस पर भी आप इसका यूज कर सकते हो। इग्जिमा एक बीमारी है जो कि स्किन की बीमारी है, उस पर आप कर सकते हो। रैशेस, आपको पूरे बदन में खुजली हो रहा है, आपके चेहरे पे खुजली हो रहा है, तो वहां पे भी लगा सकते हो। उसके अलावा इसको सन प्रोटेक्शन के लिए भी लगा सकते हो। आप इसको जब लगा लोगे तो सन से प्रोटेक्ट करेगा, और कुछ काट लिया है तो खुजली हो रही है तो भी आप वहां पे इसको लगा सकते हो और बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। तो स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट है। आप इसको ऑयली फेस में भी लगा सकते हो। तो ये सब थे इसके यूज। अगर बात करें साइड इफेक्ट के बारे में, तो इसका ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। अगर इसका आपको एलर्जी होगा इसके इंग्रेडिएंट से, तो आपको वहां पे खुजली जैसा महसूस होगा, उसके अलावा आपको लालपन हो जाएगा, जलन महसूस होगा, ये सब साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर आपको एलर्जी होगा। तो डोज की बात करें तो आपको लगाना कैसे है, तो आपको क्या करने का है, आपको अपने रेगुलर फेस वॉश से, या आप जिससे भी अपना चेहरा धोते हैं उससे आप धो के उसको सुखा लें, उसके बाद आप अपने हाथ में लेके पूरे चेहरे पे लगा लें। यहाँ पे आपको पूरे चेहरे पे लगाना है, और लगा के आप उसको छोड़ दें, उसके बाद आप सुबह अपना मुंह धो सकते हैं। उसको छोड़ दें, उसको तुरंत या एक घंटे बाद ना धोएं। तो दोस्तों, ये सेफ है, इसको आप प्रेगनेंसी में भी ले सकते हैं, ब्रेस्टफीडिंग मदर भी ले सकती है। उसके अलावा आप अगर 18 साल से अबव है तभी ले, उससे छोटे लोग को ना ले, बच्चों के लिए भी ना ले, जो बड़े हैं उनके लिए ही ले। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी कैला प्योर लोशन के बारे में। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।